6 महीने बाद घर जाने की बात ही कुछ और है। कब से मेरी बेबे मेरा राह देख रही होंगी, मुझे सामने देख के जो उनकी आंखों में खुशी होगी ना, उसकी तो बात ही अलग है। मुझे तो कल ही बीवी के साथ घूमने भी निकलना है। भाई तू अभी भी घूमने जाएगा? मैं तो आराम से अपने घर पे जाके सोऊंगा। और साहिब तेरा क्या प्लान है फिर? यार मेरा सच कोई प्लान नहीं है यार, मैंने तो जाकर ना अपनी बेबे के हाथ की रोटी खानी है यार, उसे बहुत मिस करता हूँ यार। सही बात है यार। बात मेरे बारे पूछ दे, रोटी खाती आके नहीं कली मां पूछ दी, किन्ने डॉलर कमाना बाकी सारे पूछ दे, रोटी खाती आके नहीं। बेबे पराठे दा फौज भी मिलदे सी, पर जेड़े तेरे हत्ता दे पराठे दा स्वाद है ना, वो किथे भी नहीं आ। रब करे तनु भी सोहनी जी कुड़ी मिल जाए जड़ी मेरी जगह लवे तो तन भी रोटियां पका के खवाए आप। ओ बेबे मेरी लाइफ से ना जिन्नी मर्जी सोनी कुड़ी आ जाए पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। चुप कर बेबे दे चमचे, जाके ना टीटू दी दुकान तो दही लेके आ, मैं रोटी पका के रखनी हां। एमआरपी तो 37 है, 40 कैसे दे रहे हो? अरे मैडम 40 में इसलिए दे रहा हूँ, बिजली का बिल भी आता है, सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए मैम 40 दे रहा हूँ मैम, थोड़ा तो ध्यान रख लीजिए आप। ये क्या बात हुई भैया, आपकी बिजली अमेरिका से आती है? अमेरिका से नहीं, हिंदुस्तान से आती है, बाल बच्चे भी पालने पड़ते हैं, पेट का भी ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो मैम थोड़ा सा ऐसे। भैया मेरा पागल मत हो, आपको भी पता है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सही बात है सरदार जी, बिल्कुल सही कह रही है मैडम। टीटू इनको तो मत लूट यार, तू इनसे भी 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। टीटू अंदर करवाओ तेरे को। मैडम आप ऐसे ले जा लीजिए, पैसे की जरूरत ही नहीं है। फ्री में तो मैं लेके नहीं जाऊंगी, मेरी चाचा की दुकान तो है नहीं, जितने बनते ना ये लो अपने। थैंक यू। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। सीरियसली अगर तुम नहीं होते ना उस टीटू को तो मैं सर फोड़ देती। अरे बहुत हो गया मेरी माँ, टीटू की जान लोगी क्या अब? ठीक है तुम कह रहे हो तो छोड़ दिया, बट अगर उसे नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो। यार तुमने तो मेरे को ही डरा दिया, वैसे कोई हंसते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ऐसी हंसते रहा करो जी, चंगे लगते हो। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, काम क्या करते हो सरदार जी? आर्मी में हूँ जी। ओह नाइस, आई रियली रिस्पेक्ट यू पीपल हु वर्क देयर फॉर अस, लाइक सीरियसली दिल से। वन मिनट। हाँ जी बेबे। हाँ बेबे मैंने खाना खा लिया है, आप टेंशन मत लो। हाँ मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आई एम सो सॉरी। ओके, कितनी क्यूट है वो, कितना ध्यान रखती है तुम्हारा। एक बार मिल के तो देखो, बहुत ज्यादा क्यूट है। चलो फिर। मेरे शीशे विच दी शिंगार लाजवे, ऐसा पगा वाला यो होते नहीं आजवे, निक्की भैन शगन मनाऊगी। ओ सिंगल तो यार थोड़ा डबल होया, एक चूड़े वाली जिंदगी च आऊगी। ओ सिंगल तो यार थोड़ा डबल होया, चूड़े वाली जिंदगी च आऊगी। तो तुम्हें बचपन से ही आर्मी में जाने का शौक था? हाँ यार, पता है जब मैं बचपन में नेशनल एंथम सुना करता था ना, लोग तो सिर्फ खड़े हुआ करते थे, पर मेरे तो रोंगटे तक खड़े हो जाते थे। तो धीरे धीरे वो जोश और जुनून बढ़ता गया और मेरे को देश की सेवा करने का मौका मिला और फिर मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। सारी दुनिया नु वे बल्लारी करके फोकस मेरे उते रखदा है तू, हो दूरो दूरो रहना है नोटिस करदा, कोले आके खड़दा नहीं तू। सारी दुनिया नु वे बल्लारी करके फोकस मेरे उते रखदा है तू, सारे प्रपोजल टीना विल यू मैरी मी, प्रपोजल में साइड रख दी, अख जट्टी दी तेरे ते खड़ी ता। हां फीलिंग ऑफ बथेरियां ने दिल विच जट्टा, पर समझे ता गल बने ता। हां फीलिंग ऑफ बथेरियां ने दिल विच जट्टा, पर समझे ता गल बने ता। सॉरी टीना, तुम्हें बिना बताए मुझे जाना पड़ा, बॉर्डर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी एंड यू नो द प्रोटोकॉल, एक सोल्जर की जिंदगी उसके देश की मिट्टी में ही समाती है,
पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आई लव यू, टेक केयर। जवान, yes, sir! इस बार हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि भारत भी किसी से कम नहीं है। आर यू रेडी? यस सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रिपोर्ट मिले कि कुछ आतंकी घुसने की कोशिश करेंगे, आप लोग अलर्ट रहे। जी सर, वी आर वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स, वी आर रेडी टू चार्ज। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कल कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 3 जवान शहीद हो गए। यार इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? आप कहो। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो ना क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मुझे ना मेजर साहब की कॉल आई है और बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मेरे को आज ही निकलना पड़ेगा। हाँ, दिल घबराता है ये सोच के कि कहीं तेरी जान को कोई आफत ना आए। दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तू घर ना भी लौटा तो ये आंसू नहीं बहेंगे, फक्र से उठेगा सर जब मुझे एक वीर की बीवी कहेंगे। तो व्हाट्स अप गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। तो गाइस इस वीडियो से हम ये मैसेज देना चाहते थे कि जैसे एक इंडियन आर्मी हमारे लिए हीरो है, वैसे ही उनकी फैमिली भी हमारे लिए